फिर वो 5,000 रुपए लेके मैं तो गया शेयर बाजार। पापा मम्मी के साथ रहता था, शादी हुई नहीं थी, घर का खर्चा पापा मम्मी चलाते थे। तो मेरा भाई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो उन्होंने उसने मुझे उनके 2-3 क्लाइंटों से इंट्रोड्यूस करा दिया। तो मैंने उनको कन्विंस कर दिया, उस जमाने में ब्याज 12-13% मिलता था। मैं बोला मैं 18% ब्याज दूंगा, मैं आप मुझे पैसा दीजिए। तो पहले एक लेडी ने दिया, वो बोले सिक्योरिटी में, बोला सिक्योरिटी में तो मैं हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो बोले ठीक है मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए दूंगा, पहले 1.25 लाख रुपए ले, उसके शेयर ले, वो शेयर मुझे सिक्योरिटी में दे, फिर 1.25 लाख और दे। तो मैंने वैसे चालू किया। फिर एक ब्रदर के क्लाइंट ने 10 लाख रुपए दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे 1985 की बात है, मैंने एक साल में 12.5 लाख रुपए से करीब 30 लाख रुपए कमाए, और वो जमाने में 4 लाख रुपए टैक्स भरा। तो ये तो भगवान ने, मतलब पिताजी एंकरेज नहीं करते थे, भाई के क्लाइंट नहीं रहते थे, तो मेरे को तो ये सब पैसा वैसा मिलने वाला नहीं था। फिर शादी हुई, 2-3 साल मंदे थे, फिर बहुत कहानी है, ऐसा हुआ कि शेयर लिए 25 रुपए में लिए थे मैंने, 65 का भाव हो गया 4 महीने में, 25 का 65, वो जो मैंने 25 लाख रुपए कमाए थे वो सब टाटा पावर के शेयर ले लिए, वो लिए थे 150 में, उनका भाव हो गया 1,000, तो 2-4 करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ रुपए हो गए। फिर मधु रनवटे का एक बजट आया, उस समय शेयर बाजार में शेयर सब ऐसे शेयर ठोके कि मालूम नहीं कोई बॉक्सिंग मैच है, जो आए बोले बेच दो बेच दो। और मुझे एक लगता था कि वीपी सिंह थे ठाकुर, लेकिन व्यापारी आदमी थे। He was a man who first abolished estate duty in India, brought down the rates of tax to 60%. तो मुझे लग रहा था बजट खराब नहीं आएगा। तो मेरे पास जो 2.5-3 करोड़ रुपया था मैंने स्टेक में लगा दिया 1989 के बजट में। और आप बिलीव नहीं करें, बोलू किसको? और मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ पैसे वाली फैमिली की थी, वो इसी रूम में रहती थी, गाड़ी थी हमारे पास, ना गाड़ी थी, हम तो बस में जाते थे। मेरे वाइफ ने मेरे को जिंदगी में आज तक एक ही चीज मांगी है, अपने रूम में एसी कब लगेगा। उस दिन समझिए जब बजट शाम को आता था, बाजार 6 से 9 रहता था, तो 6 बजे मेरी नेटवर्क 3 करोड़ थी और 9 बजे मेरी नेटवर्क 20 करोड़ थी। तो मैंने जाके बस एक ही चीज की, रेखा को घर पहुंचा आपको 2 बजे सब डिस्कस वगैरह करके, मैंने बोला रेखा अपने एसी आ गया। और फिर भगवान ने साथ दिया, और हमने क्या किया, कभी गलत काम नहीं किया पैसा कमाने के लिए। हमारे डैडी क्या बोलते थे, ये शेयर बाजार है, यहाँ कोई बीवी के बांगड़ बेच के आता है, कोई बीवी को बेच के आता है, कभी किसकी हाई नहीं लेना चाहिए। तो वो दिन और आज का दिन है, कभी मैं कोई शेयर को मैनिपुलेट करूं, इधर बेचू उधर लू, वो सब धंधे हमको आते ही नहीं, आप समझे ना, और ना करने हैं, करने हैं तो आते हैं लेकिन करने ही नहीं है। तो भगवान ने आज भगवान के बहुत शुक्र क्या बोल सकते हैं कि आई हैव फार लेसर वेल्थ देन पीपल थिंक, बट फार 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 मोर देन आई नीड, बिकॉज वेल्थ ऑल्सो हैज अ पर्पस। क्या करूंगा पैसे का, बच्चे को 200-500 करोड़ दे दूंगा, उसके बाद इससे मैं तो बहुत बार सोचता हूँ कि मरता हूँ मैं कमाने के लिए, मजा मेरे जवाई और बहू करने वाले और बेटे और बेटी है। आप समझे ना, तो खुश हूँ, करता वो जो मैं चाहता हूँ, इट द वेल्थ अलाउज मी टू डू वॉट आई वॉन्ट एंड आई लिव लाइफ बाई माई टर्म्स एंड वॉट एवर सक्सेस आई हैड, आई थिंक पेशेंस, हार्ड वर्क, टेकिंग डिफीट विद अ स्माइल। मुझे बहुत बार नुकसान हुआ जिंदगी, बहुत बार सेटबैक लगा है, मैंने बहुत बार शेयर बेचे पैसा नुकसान ही भरने के लिए, लेकिन एक बार हो गया। सी नेवर बी अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक, ओनली मेक वन यू कैन अफोर्ड सो दैट यू मे लिव टू मेक अनदर वन, बिकॉज इफ यू आर अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। तो मुझे गलती होती है, मैंने कंपनी में पैसा लगाया A to Z, मैं 150 करोड़ रुपया खोया उसमें, मैंने कभी उसके प्रमोटर से तेज बात नहीं की, मैंने बोला मैंने उसको परखने में गलती की। अपने डिसीजन के लिए अपने आप को ब्लेम करो, उससे सीखो और भूलो उसको।